अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सर कैसे करते हैं सर समझ नहीं आता आज तक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कैसे होगा वो तुम्हें आज यहाँ पर बता दूंगा सारे शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए ध्यान से ये टैप वाला क्वेश्चन यार कितनी दिक्कत देता है इसमें तो बच्चों को रट के जाना पड़ता है कैसे करना पर आज रटना नहीं पड़ेगा सारे तरीके बहुत आसान तरीके तुम लोगों को बताने वाला हूं। और ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया ना आप सबसे पहले क्यों करने वाले हो ये गारंटी इस बात की ठीक है। तो हरे कृष्णा कैसे हैं आप सभी आप सबको पता है पूरे साल भर यार हम लोग ना हार्ड वर्क बहुत करते हैं लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है। अब समय आ चुका है अपने मार्क्स को बूस्ट करने का अगर हम 80 के आसपास अपने हार्ड वर्क की वजह से तो थोड़ा स्मार्ट वर्क जोड़ देंगे तो हम 90 क्रॉस कर सकते हैं 95 क्रॉस कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था क्या दिक्कत आ रही है आपने कहा ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मैंने बहुत ही स्पेशल सीरीज निकाले जहां पर सारे क्वेश्चंस के मैंने ट्रिक बता दी कैटेगरी बता दी और यार इतने कमेंट है इतना प्यार आपने उस वीडियो में दिखा रहा लाखों व्यूज उस वीडियोस में आए हैं आप सबके सपोर्ट के से और काफी बच्चों के डाउट क्लियर हुए हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता था जिनको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती कोई इंटरेस्ट नहीं था ऐसे बच्चे भी इंटरेस्ट ला पाए ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर और उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से अब करना सीख लिया है। मैं किन वीडियोस की बात कर रहा हूं मैं इन चार वीडियोस की बात कर रहा हूं चार पार्ट में मैंने वीडियो बनाया था ये पार्ट वन है पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर और इतनी हेल्प करी ना बच्चों की कि मुझे खुद इतनी खुशी हो रही है कि अब मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं। मैंने पूछा था इन वीडियोस में और आपने कहा था सर वर्ड प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत निकल के आती है चैप्टर नंबर थ्री के चैप्टर फोर के जो भी वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उन्हें बहुत दिक्कत आती है तो आज हम लोग करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को जिस प्रकार यहां पर कैटेगरी बना के मैंने शॉर्ट ट्रिक्स और तरीका बताया था प्रॉपर वे बताया था कैसे आपको सारे क्वेश्चन को टैकल करना होता है आज ऐसी मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूं और ये वीडियो देखने के बाद आपका वर्ड प्रॉब्लम ना मैं कहना एकदम इतना ईजी हो जाएगा ना बहुत कंफर्टेबल फील करोगे क्योंकि अभी वर्ड प्रॉब्लम आते हैं तो उसकी स्टेटमेंट इतनी मुश्किल होती है समझ नहीं आता क्वेश्चन कैसे बनानी है पर अब ये सारी प्रॉब्लम खत्म। अगर आप ये वीडियो देखते तो ये दावा के साथ मैं कह सकता हूं कि आप वर्ड प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से चुनोगे अपने एग्जाम में और सबसे पहले करने का प्रयास जरूर करोगे। आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे तुम्हारे डाउट रहते हैं एग्जाम टाइम आगे केवल एक महीना बचा हुआ जनवरी का फेब में तो एग्जाम है ही तो उसमें अगर आपके बहुत सारे डाउट निकल के आते हैं तो आप डाउट जो है मुझसे ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑफिशियल यहाँ पर डाउट आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल है जहां पर सारे अपडेट सारे वीडियोस पीडीएफ और वहां पर हम लोग डेली 5 क्वेश्चन भी सेंड करते हैं पीवाईक्यूज के जो कि आपको हेल्प करते हैं डेली रिवीजन के लिए तो टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है उसको ज्वाइन याद से कर लेना। अगर आप फेसबुक पे हो इंस्टाग्राम पे हो वहां पर मुझसे डाउट पूछना चाहते हो तो ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी यहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आइए बहुत एक्साइटेड हूं आज मैं आप सबके जो डाउट्स है ना वर्ड प्रॉब्लम को कैसे करना चाहिए उसको मैं खत्म करने वाला हूं। बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन यहां पर हम लोग करने वाले हैं आइए थोड़ा सा बता दूं आपको हम किस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर करने वाले हैं इसलिए वीडियो में जाना नहीं है सारी प्रॉब्लम दूर होने वाले आप लोगों की। ये देखिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड इन अ फ्लाइट 2800 किलोमीटर ए क्लास वॉज स्लो डाउन इस प्रकार का जो क्वेश्चन है अक्सर आपको अपने एग्जाम में देखते हैं प्री बोर्ड में बहुत दिखे होंगे यार बहुत डाउट निकल के आते हैं। आज ऐसा तरीका बताऊंगा ना कि ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे ना तो सबसे ज्यादा चेहरे में खुशी तुम्हारी इस क्वेश्चन को देख के होने वाली है बहुत आसान करने वाला हूं इस क्वेश्चन को मैं। सेम ऐसा क्वेश्चन क्या अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सर कैसे करते हैं सर समझ नहीं आता आज तक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कैसे होगा वो तुम्हें आज यहां पर बता दूंगा सारे शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए ध्यान से ये टैप वाला क्वेश्चन यार कितनी दिक्कत देता है इसमें तो बच्चों को रट के जाना पड़ता है कैसे करना पर आज रटना नहीं पड़ेगा सारे तरीके बहुत आसान तरीके तुम लोग को बताने वाला हूं इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देना। और ये केवल इतना ही नहीं है और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के टाइप वन के साथ और ये टाइप में हम क्या करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स तो नंबर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही ज्यादा होते हैं आसान बहुत आसान होते हैं बस हमें थोड़ा सा समझना होता है और उसके बाद इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना होता है। आइए ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ किसका सम द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। अब कुछ यहां पर ना जो वर्ड्स होते हैं ना इस वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है जैसे पहला जो वर्ड है वो है कॉन्जिक्यूटिव। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार क्या होता है लगातार मतलब जैसे कि मैंने बोला मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं तो एक और दो तो ये कॉन्जिक्यूटिव लगातार एक दो हो गया चार पांच हो गया छह सात हो गया ये लगातार नंबर होते हैं तीस
31 ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं और इवन नंबर चाहिए। अब इवन नंबर क्या होता है, 2, 4, 6, 8 जो कि दो के पहाड़े में आते हैं उन्हें इवन नंबर कहा जाता है। तो मैं बोलूं दो लगातार इवन नंबर मतलब 4 और 6 हो सकते हैं, वो 2 और 4 हो सकते हैं, वो 30 और 32 हो सकते हैं, इस तरीके से दो इवन नंबर हमारे पास निकल के आता है लगातार, है ना। और यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात यह है बहुत ही आसान सी, क्या है, अगर मैं एक इवन नंबर को 4 मानता हूं तो दूसरा क्या होता है वो 6 होता है जो कि 4+2 होता है, ठीक है। और एक को मैंने अगर 2 माना है पहला इवन नंबर तो दूसरा लगातार क्या होगा 2+2 निकल के आएगा, ठीक है, 2 जोड़ देते हैं उसमें। और अगर 30 हमारे पास पहला इवन नंबर है तो दूसरा +2 कर दीजिए, दूसरा निकल आएगा तो 30+2। इस तरीके से हम लोग दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स को लिखते हैं। तो हमने कॉन्जिक्यूटिव समझ लिया, इवन नंबर को समझ लिया, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला गया है, उन दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो वो 340 बनाता है। अब हमें क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर पता है, नहीं पता, तो जो नहीं पता वो यहाँ पर लेट करना होता है। पहला स्टेप हमेशा ध्यान रखना, लेट करना बहुत जरूरी है ना। और स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स होते हैं, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, कुछ भी स्टेप नहीं छोड़ना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट टू कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, इवन नंबर्स आर दो लगातार पूछा है। तो मान लो अगर एक नंबर मेरे पास एक्स है, ठीक है, अगर मेरे पास एक एक्स है तो दूसरा कितना होगा, x+2 होगा। क्यों होगा x+2, आपको होता दूसरा इवन नंबर जो है उसमें दो जोड़ के निकाला जाता है, ये हमने यहाँ पर अभी सीखा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+2 निकल के आएगा। तो ये दो आपके लगातार इवन है ना नंबर्स हो गए, ठीक है जी। अब क्या बोलेगा, इनका स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर करना है, उसको जोड़ना है, वो 340 के बराबर दे रखा है। मतलब क्या हुआ समझते हैं, ये x का स्क्वायर करा मैंने और इसका स्क्वायर हो गया x+2 का, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये 340 के बराबर निकल के आता है, ये है कहने का तात्पर्य, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करके कन्वर्ट करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो ये हमारे पास x का स्क्वायर, अब यहां पर लग गया a+b का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a+b का होल स्क्वायर, मेरे साथ साथ बोलेंगे, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² और फिर प्लस में होता है 2ab, ये हमने बहुत बार यूज कर लिया है, तो इसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab 4x निकल के आ गया, बराबर में 340 हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। अब x² + x² हो गया हमारे पास 2x का स्क्वायर, फिर आ गया प्लस में 4x, ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 4 है। अब ये यहां पर आ गया माइनस का 340 = 0। हमेशा हमने जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखना होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो होता है ax² + bx + c = 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। वैसे कोई भी साइन हो सकता है, बट प्रयास करना a हमेशा पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो ये हमने पर निकाल लिया, इसको सॉल्व करते हैं, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। तो क्या अपने पास यहाँ पर ये आ गया 2x², ठीक है, और प्लस में 4x। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं 4 में से 340 माइनस करूंगा, तो 340 में से 4 गया तो 336 आता है, बड़े मैंने तो माइनस का 336 = 0। हमेशा कोशिश करना है जितने कम, जितना हमारे पास कोफिशिएंट छोटा होगा उतना आसान होता है रूट निकालने के लिए। तो यहां पर ना मैं देख रहा हूं कि 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और 2 इसमें भी कॉमन है, तो 2 को कॉमन कर लेंगे। तो 2 कॉमन करके कितना आएगा, यहां पर आएगा x² और प्लस में 2 × 4 होता है 2x, माइनस 2 × 1 = 2, बचा 1 13 हो गया, और 2 × 12 = 2 8 = 16, ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 0.20 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया x² प्लस में और 2x माइनस में 168, ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताता हूं। देखो सबसे पहले क्या है, हमने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो हमें सबसे पहला स्टेप होता है, लेट करना होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर हमें एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। स्टेप 2 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टेप 3 में सॉल्व करना होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, एक होता है हमारे पास कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको कौन सा अच्छा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं हमेशा प्रिफर करता हूँ स्टेटमेंट में, ये मिडल टर्म स्प्लिट मेथड बहुत आसान और जल्दी होता है, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई करने पर आपको चाहिए माइनस का 168 और वैसे ही आपको 2 निकल के आ जाए, ठीक है, इस तरीके से, है ना। अब ये मेरे को याद है
14 और 12 होता है, क्या होता है 14 और 12 होता है, तो यहां यहां लिखेंगे 14 माइनस में 12 2 होता है और 14 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 12 माइनस का 168 होता है। हमने क्या करा, बीच वाले नंबर्स के फैक्टर्स को स्प्लिट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 12x, ठीक है। इस वाले को हमने स्प्लिट करा तो इसकी जगह ये आएगा x के साथ, फिर माइनस का 168, माइनस का 168 आ गया जीरो के बराबर। अब हमने क्या करना है, पेयर बनाए, कॉमन लेना है, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो यहां पर x कॉमन करेंगे कितना आएगा, x प्लस में 14 आएगा, ठीक है। माइनस में यहां पर 12 कॉमन करेंगे तो आपका x प्लस में 14 निकल के आएगा इक्वल टू जीरो। देखो यहां पर ना मेन वर्ड प्रॉब्लम दिक्कत क्या होती है, आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने तक ही सारा खेल होता है, बाकी इक्वेशन के रूट्स निकालने आपको आने चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना नहीं आता, एक प्रॉपर तरीका नहीं पता। अगर आप लोग चाहते हो कि सर इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं बड़े बड़े उसके, बता दीजिए एक बार, तो मैं वो बता दूंगा कि मिडिल टर्म स्प्लिट में ये कैसे पता चलता है कि ये कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का, तो मुझे कमेंट करना, इसके ऊपर काम जरूर करूंगा। जिस चीज में भी आपकी हेल्प कर सकूं ना वो काम मैं जरूर करूंगा, आपको 100 में 100 दिलवाने हैं, उसके लिए भले कितनी रातें जागनी पड़े, कितनी वीडियोस बनानी पड़ी, बनाएंगे। बस जो आपको प्रॉब्लम है ना वो मुझ तक पहुंचनी चाहिए, और वो एक जरिया है कमेंट बॉक्स, कमेंट में सारे बच्चे अपना राय देंगे, ठीक है, तभी मैं इसके ऊपर काम कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए अब ये सेम हो गया x प्लस 14, तो हम क्या करेंगे x प्लस 14 को कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस 12 और इक्वल टू में 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहां तक अब क्या होगा, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, ठीक है, और एक बार इसके बराबर में हम लोग 0 कर देंगे, यहां से x जो है वो माइनस का 14 निकल के आ गया और यहां से x जो है वो प्लस का 12 निकल के आ गया, कितना आ गया प्लस का 12 निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें दो लगातार इवन नंबर चाहिए और हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं, तो नेगेटिव कट हो गया, नेगेटिव वैल्यू हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे, तो x की जो वैल्यू निकल के आई कितनी निकल के आई है, वो 12 निकल के आई है। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में यहीं पर छोड़ देते हैं, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, हमें कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स बताने हैं, हमने केवल x निकाल के छोड़ दिया, तो अब इवन नंबर्स की बात करेंगे। हमने क्या माना था, एक अपने पास x था और एक x प्लस 2 था, तो नंबर्स की बात करें, x तो हमारे पास निकल के आ गया 12, तो अगर मैं x प्लस 2 की बात करूं तो 12 प्लस 2 14, तो इसका मतलब 12, 14 ये हमारे पास वो दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर है जिसका स्क्वायर करके अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास 340 निकल के आता है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, जब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे बार बार, तब तक कोई चीजें नहीं होने वाली है, ठीक है। हाँ, कोई भी टीचर आएगा आपको शॉर्ट तरीका बता देगा, है ना, अलग अलग तरीके से आपको समझा देगा, आसान करके कैसे भी समझा देगा, पर लास्ट में करना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है। तो आइए अब इसी टाइप में एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सब में नंबर्स में इसी प्रकार क्वेश्चन होते हैं, बस वर्ड चेंज हो जाते हैं, उसको समझना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। डिवाइड 27 इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/20। बस क्या शब्दों का उलट फेर है और कुछ नहीं है, स्टेप हो जाएगा, हमें लेट करना होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, बस ये तीन स्टेप में सारे क्वेश्चन को करा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 27 है, इसको दो पार्ट में बांटना है, ठीक है। इसके मान लो मेरे पास 27 रुपए, दो बंदों को देना है, एक को मैंने 12 रुपए दिए तो दूसरे को कितना दूंगा, 27 में से 12 का 13 रुपए देकर आऊंगा, समझो क्या बोल रहा हूं मैं। मैंने बोला मेरे पास 27 रुपए, ठीक है, इसको दो बंदों को बांटना है, डिवाइड करना है। मैंने बोला एक को मैंने दे दिया मान लो 5 रुपए, तो दूसरे को कितना दूंगा, दूसरे दूंगा 27 में से 5 हटा के, जो कितना बैठेगा 22 रुपए। हाँ या ना, मुझे नहीं पता, ये तो मैं हिसाब बता रहा हूँ। ऐसे अगर मान लो किसी को 17 रुपए दिए तो दूसरे को कितना दूंगा, 27 माइनस में 70 जो कि 10 रुपए दूंगा, तो ये ऐसे हिसाब किताब बनेगा ऐसे। अब मुझे पता तो है नहीं ना कि पहला हिस्सा कितना है, पहला हिस्सा पता होने के बाद ही तो हम दूसरा हिस्सा बता पाएंगे। तो अगर मैं पहले हिस्से को x मान लूं, अगर मैं पहले हिस्से को क्या मान लूं, x मान लूं, तो दूसरा हिस्सा कितना होगा, 27 माइनस में x होगा, ठीक है। तो वही करेंगे, लेट पहले हिस्से को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे और दूसरे को ये मान लेंगे, बस इतना लेट करना है, बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे लेट फर्स्ट पार्ट, ठीक है, बी हमने मान लिया x, फर्स्ट पार्ट को x मान लिया, देन सेकंड पार्ट क्या होगा आपको बताने की नीड नहीं है, सेकंड पार्ट क्या होगा, ये हमारे पास आएगा 27 माइनस में x,
क्यों आया, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बता दी। यही तो काम हमारा है, यही तो काम मेरा है कि आके आसान करना है चीजों को आप सबके लिए, ठीक है। अच्छा ओके, इसने बोल दिया, इसने कहा कि उनके रेसिप्रोकल का सम, इसके रेसिप्रोकल का सम। अब मान लो 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2, 3 का रेसिप्रोकल होता है 1/3, तो एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x होगा, 1 के बटे में आ जाता है, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, अकॉर्डिंग लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहेंगे कि इसका रेसिप्रोकल 1/x होगा और इसका रेसिप्रोकल 1/27 - x होगा और इसका सम जो है हमारे पास 3/20 निकल के आ रहा है। इनके रेसिप्रोकल का सम 3/20 आ रहा है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसको मिटाए थे, इसकी नीड नहीं है हमारे पास, बस ये हमने करना है, सिचुएशन को ध्यान से समझना है, लेट करना है क्या क्या वैल्यूज आने वाली है, उसके बाद फिर इक्वेशन में आ जाएंगे फटाफट से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आओ, अब क्या 1/2, 1/3 की तरह समझो, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो कितना आएगा 27 - x निकल के आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो प्लस में x निकल के आ गया, और नीचे नीचे आपस में मल्टीप्लाई, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय 27 - x और ये आ गया 3/20 के बराबर। बोलो बात समझ आएंगे, दोबारा बता रहा हूं समझने वाले, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब कितना आ गया, x से x खत्म हो गया, तो आ गया 27, ठीक है, डिवाइड बाय, अब x को एक बार 27 से करेंगे तो 27x आएगा, तो 27x माइनस में आएगा x का स्क्वायर जो कि आ गया 3/20, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 27 × 20, ठीक है, और इक्वल टू आ जाएगा 3 × 27x - x² निकल के आ गया। अब जो कट रहा है ना काट दो, छोटा भी करना बहुत जरूरी है, तो 3 से कट रहा 3 × 9 = 27, 9 × 2 = 180, तो 180 आ गया बराबर कितना 27x - x². अब दो तरीके, या तो मैं 180 को वहां लेके जाऊं या 180 को यहां लेके आऊं। मैंने भी क्या कहा था, हम कोशिश करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा जो a है वो पॉजिटिव है, a क्या है जो x स्क्वायर के साथ होता है, अब x स्क्वायर है नेगेटिव है, मतलब लेफ्ट में लेके आएंगे, तो देखा x स्क्वायर, ठीक है, ये यहां पर आएगा माइनस का 27x और प्लस में 180 जो है वो जीरो के बराबर निकल के आ गया। तो हमारा सेकंड स्टेप में क्या करना था, हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनानी थी जो कि हमने बड़े आराम से बना दी है। ये सारे क्वेश्चन PYQs के, ये मन गलत क्वेश्चन नहीं लिए मैंने कि आसान करने के लिए, सारे बढ़िया बढ़िया और अच्छे क्वेश्चन आपको करा के जाऊंगा, टेंशन मतलब किसी भी चीज में नहीं रहती पीड़ा, इफ यू फॉलो ज्ञानी कीड़ा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत सारे ऐसे व्यूअरशिप है हमारे पास जो कि बिना सब्सक्राइब करे चैनल को देखते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, कोई फीस तो है नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 180 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए माइनस का 27, ठीक है। अब ये होता है 15 और 12, ठीक है, क्या होता है 15 12, तो माइनस का 15 माइनस में 12 माइनस का 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 12, ठीक है। यहां पर मेन जो जिक्र है ना, मैं आपको यहां पर शॉर्ट ट्रिक्स रूट निकालने के बताने नहीं आया हूं, ये मत रहना कि सर आप ये कैसे पता लगा पा रहे हो, ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको रूट्स निकालना आता है, यहां पर केवल इक्वेशन तक कैसे पहुंचना है ये मैं आपको आज समझाने आया हूं। अगर आप इसको अलग से चाहते हो तो वो उस अलग से वीडियो उसके ऊपर काम किया जाएगा, पर आज मेन मुद्दा है कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम से हम लोग इक्वेशन तक आए, क्योंकि इक्वेशन के रूट निकालने आपके दो मेथड है, आप दोनों बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है, तो आइए क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस में 15x माइनस में 12x प्लस में 180 बराबर में कितना आ गया, जीरो निकल के आ गया, ठीक है। कॉमन करें, पेयर बना के x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 15, ठीक है, यहां पर x कॉमन करा मैंने, माइनस का यहां पर 12 कॉमन करा, तो आ गया x माइनस में 15 निकल के इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहां भी x माइनस 15 और यहां भी, तो एक काम करो x माइनस 15 को हम लोग कॉमन कर लेंगे, ठीक है, क्या बचा बताओ, यहां पर बचा x, यहां बचा 12, तो आ गया x माइनस में 12 और इक्वल टू कितना आ गया, जीरो निकल के आ गया। एक बार इसके बराबर में जीरो करेंगे और एक बार इसके बराबर में जीरो कर देंगे, ठीक है, तो यहां से x कितना आ गया 15 आ गया और यहां से x आ गया 12 निकल के। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, तो हमने x निकाले। अब कुछ बच्चे यहां पर छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है यहां पर, यहां पर हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसको आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आगे सॉल्व कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट को x माना हुआ है, ठीक है, तो दो केस बनेंगे, पहला केस बनेंगे, ठीक है। अगर मान लो फर्स्ट पार्ट अगर मान लो मेरे पास x है, ठीक है, जो कितना आ गया 15 आ गया, तो सेकंड पार्ट कितना होगा, वो हमारे पास है 27 - x, तो 27 - 15, तो आएगा 27 - 15 जो कि कितना आएगा 12 निकल के आएगा, तो सेकंड पार्ट 12 है और फर्स्ट पार्ट कितना है 15 है पहले केस में। अब सेकंड केस में क्या है, अगर मान लो फर्स्ट पार्ट
मान लो फर्स्ट पार्ट जो है अगर हमारा कितना है 12 है, तो सेकंड पार्ट कितना आएगा बोलो, वो आएगा 27 माइनस में 12, ठीक है, जो कि आ कितना 50 निकल के आ गया। तो अगर फर्स्ट पार्ट 12 है तो सेकंड पार्ट 15, तो 15 12 या 12 15, ये हमारे आंसर दोनों हमने मेंशन करने हैं। तो आई होप आपको अब धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी है किस प्रकार से इन वर्ड प्रॉब्लम्स को किया जाता है। ये काफी आसान होते हैं, बस हमें स्टेटमेंट को रीड करना होता है, तुरंत ही इक्वेशन बन जाती है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं देता। लेकिन अब जो सेकंड टाइप है ना, ये बहुत बच्चों की दिक्कत है। ये टाइप ऐसा टाइप है ना कि ये तीन जो क्वेश्चन इस टाइप में मैंने लिए हैं, ये हर बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता हर बार आता है। ऐसा प्री बोर्ड का शायद ही कोई पेपर बना होगा इस बार इंडिया में, जहां पर ये जो मैंने क्वेश्चन लिए अभी सेकंड टाइप है ना, वो ना पूछा गया हो। आई क्यों? क्योंकि सेकंड टाइप में हम कवर करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड एंड टाइम, और ये क्वेश्चन हो गया, और साथ ही साथ में आपका जो ये वाला क्वेश्चन है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, जहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को आती है, ये सॉल्व करेंगे इस सेकंड टाइप में। और थर्ड टाइप में हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में काम करेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पड़ता है ये टैप वाला। तो ये टैप वाले क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज नोट करे होगी, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं वो सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं। तो पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने अपने चैनल पे पीवाईक्यूज की सीरीज को भी किया हुआ, इसके 4-5 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, बाकी चैप्टर की भी वीडियोस लगा दूंगा मैं फटाफट से, तो वो भी हम लोग करेंगे। तो पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप पीवाईक्यू ले कोई बुक देख रहे हो तो शिवदास पब्लिकेशन की जो बुक है लास्ट 7 ईयर की, इसको आप कर सकते हो। इस बार जितने भी क्वेश्चन है पीवाईक्यूज के, वो सारे के सारे मैं इसी किताब से ले रहा हूँ। अगर आप देख रहे हो नई किताब के लिए पीवाईक्यूज की, तो ये आप ले सकते हो, काफी अच्छी किताब, इसके सॉल्यूशन भी काफी अच्छे दे रखे हैं। मैं परचेजिंग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अगर आपने कोई और ले रखी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उससे भी काम चला सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो आइए आप बात करते हैं टाइप टू के पहले क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन को रीड करके समझाता हूँ, फिर आपको तरीका बताता हूँ, और ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया ना, आप सबसे पहले शुरू करने वाले हो, ये गारंटी इस बात की, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, डिस्क्रिप्शन पे एक पीडीएफ है जो कि प्रैक्टिस पेपर की तरह है, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद ऐसे ही मैंने और क्वेश्चन उस पीडीएफ में डाले हुए, तो आप जाके उसकी प्रैक्टिस करना और बताना क्या वो क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं या नहीं पा रहे इस शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस को देखने के बाद, ठीक है। चलिए, इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, एक फ्लाइट है जो कि कितनी उड़ान भरनी है, 2800 किलोमीटर को चलनी है। डिस्टेंस पता चल गया, ये जो चीज है इसको मार्कर चलो, डिस्टेंस पता चल गया स्टार्टिंग में, कितना डिस्टेंस कवर करना। तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। ओके, थोड़ा साइंस लगाएंगे अभी यहाँ पर। एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, भाई जो वेदर था वो बिगड़ गया है ना, मौसम खराब हो गया, तो उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। ओके, इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस बाय 100 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस हुई है। क्वेश्चन दो प्रकार के बनते हैं, या तो स्पीड पहले के मुकाबले घट जाती है जैसे ये वाला क्वेश्चन है, या स्पीड पहले के मुकाबले बढ़ जाती है। तो ये जरूरी है रिड्यूस है या फिर इंक्रीज है, ये अंडरलाइन कर लेना। एंड टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज, अब जाहिर सी बात है कि मान लो अगर मेरी स्पीड कम हो गई है तो टाइम पहले के मुकाबले ज्यादा लगना है, तो मुझे पहले के मुकाबले 30 मिनट ज्यादा लग रहा है, ठीक है। कह रहा फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन, तो मुझे बताओ कि अगर फ्लाइट में कोई गड़बड़ी नहीं होती, वेदर में कोई गड़बड़ी नहीं होती, तो ओरिजिनल टाइम कितना लगता वहां तक पहुंचने का। बात समझ में आ गई है, यहां दो चीज का जिक्र किया गया, बिल्कुल ध्यान सुनना। पहला उन्होंने बोला है कि स्पीड पहले से कम हुई है, मतलब पहली वाली स्पीड हमें नहीं पता, और उन्होंने बोला है कि टाइम बढ़ गया है 30 मिनट, पहले के मुकाबले टाइम बढ़ चुका है, तो पहले का टाइम भी नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा स्पीड और टाइम को लेट करना बहुत जरूरी है, पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा मैं कि लेट ओरिजिनल स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आवर, मान लेते हैं ओरिजिनल जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और ओरिजिनल टाइम टेकन जो है वो टी आवर है, मान लो टी आवर। ये दो काम आपने सबसे पहले करना है, स्पीड को लेट कर लिया और टाइम को लेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने दो केस बनाने हैं, पहला हमने करना है केस नंबर वन, क्या करना है केस वन, तीन चीज लिखनी है, डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है और स्पीड क्या है, बहुत मजा आने वाला। देखो तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, क्या बोला मैंने, हमें डिस्टेंस लिखना है, डिस्टेंस कितना है, ठीक है, हमें क्या लिखना है, स्पीड कितना है, और तीसरा लिखना हमें टाइम कितना है। ये तीन चीज आपने लिखनी है इस तरीके से, ठीक है। चलो
डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 2800 किलोमीटर, ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया। स्पीड कितनी लेट हुई है, ओरिजिनल एक्स हमारे पास दे रखा है, एक्स किलोमीटर पर आवर दे रखा, ठीक है ओके। और टाइम कितना लगा है, टी आवर हम लोग को लगा है। अब आपको यहाँ पर साइंस का एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो साइंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन पे स्पीड। याद रखो हमेशा क्या याद रखना है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन पे स्पीड, लिखता हूं मैं, टाइम जो है वो होता है डिस्टेंस अपॉन पे स्पीड, ये आपने याद रखना है। तो टाइम क्या अपने पास, टाइम हमने टी माना हुआ है ना, डिस्टेंस कितना है वह 2800 अपॉन पे स्पीड कितनी है एक्स, तो इसको हमने इक्वेशन वन मान के छोड़ देना, क्या करना है इसको हमने इक्वेशन वन मान के छोड़ देना। इतना आसान है, यहां तक समझ में आया नहीं है, फिर से बता दूं, हमने ओरिजिनल स्पीड को लेट करा, हमने टाइम टेकर को लेट करा, डिस्टेंस स्पीड और टाइम लिखना है, स्टार्टिंग में डिस्टेंस 2800, स्पीड कितनी एक्स हो गई, टाइम कितना टी, फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, में लिख दिया, इतना ही करना, कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना। आइए स्टेप टू पे आइए, अब क्या करना है, स्टेप टू पे करना है, स्टेप टू पे भी हमें, सॉरी केस टू पे, केस टू पे भी हमें यही काम करना है, तीन चीज मुझसे लिखनी है, क्या क्या लिखना है, बोल रहा हूं मैं, डिस्टेंस लिखना है ठीक है, स्पीड लिखनी है और टाइम लिखना है, तीन चीजें फिर से लिखनी है ठीक है। डिस्टेंस कितना है, सेम वही डिस्टेंस है 2800 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस है। स्पीड क्या है, इन्होंने बोला कि स्पीड जो है वो कम हुई है, रिड्यूस हुई है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब अगर पहले जो भी स्पीड हो गई उसके मुकाबले 100 कम हुई है, पहले की स्पीड थी एक्स, अगर 100 कम हुई है, अगर 100 कम हुई है इसका मतलब मैं बोलूंगा एक्स माइनस में 100, बोलो हाँ या ना, ये स्पीड रही होगी अब जो मैं बात कर रहा हूं ठीक है। टाइम पहले टी आवर था, पहले के मुकाबले टाइम बढ़ जाता है 30 मिनट, अब ये आवर में है, तो 30 मिनट को आधा घंटा बोलते हैं, आधा घंटा 30 मिनट को हम लोग बोलते हैं हाफ आवर, क्या बोलते हैं हाफ आवर, आधा घंटा बोलते हैं ठीक है। तो पहले के मुकाबले टाइम पहले टी था, अब आधा घंटा और लग रहा है तो जुड़ जाएगा, और इतने घंटे हमें अब लग रहे हैं, बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, एकदम आसान कर रहा हूं, टेंशन मत लो, फिर से यही रिपीट करना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आइए फटाफट से बताइए टाइम कितना है, तो टाइम इक्वल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस नंबर 2800 है अपॉन पे स्पीड कितनी है, स्पीड सॉरी टाइम कितना है हमारे पास, टी प्लस 1/2, एक मिनट जाओ थोड़ी गड़बड़ हो गई है ठीक है। तो टाइम कितना है, तो टाइम है टी प्लस 1/2, ये हमारे पास टाइम है, इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारे पास 2800 है अपॉन पे स्पीड कितनी है, स्पीड हमारे पास एक्स माइनस पे 100, ये मैंने इस तरीके से काम कर लिया, बहुत आसान है, आराम से आप इसको समझ पाओगे, कि कैसा ही बच्चा होगा जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी समझ पा रहा होगा कि कैसे हमें इसको करना है ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ये जो टी है ना टी, इस टी के बदले हमने ये वाली जो वैल्यू है ना वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है, क्या करनी है सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आइए करते हैं फटाफट से, यहाँ पर क्या टी है, टी की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2800 अपॉन एक्स, लिखूंगा 2800 अपॉन पे एक्स ठीक है, और प्लस में 1/2 बराबर में आ गया 2800 अपॉन पे एक्स माइनस पे 100। तो यहां तक मेरे ख्याल से आप सभी को बात समझ में आ चुकी है। अब क्या करना है, हमने जो एक्स वाले उनको एक तरफ करना है और कॉन्स्टेंट को एक तरफ ठीक है। तो 1/2 एक काम करते हैं, यहीं पर रहने देते हैं 1/2 यहीं रहने देते हैं हम लोग, और ये हो जाएगा 2800 अपॉन पर एक्स माइनस पे 100 और माइनस में 2800 अपॉन पे एक्स निकल के आ गया, इतना सिंपल है। अब ना यहाँ पर एक गलती करते हो तुम लोग कि इसी पे मल्टीप्लाई करते हो ना, 2800 दोनों जगह ना इसे कॉमन कर लो, कितना आएगा हमारे पास, कॉमन कर लो, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम बोलेंगे कि 1/2 ऐसी रहेगा ये ठीक है, तो 2800 हम कॉमन करेंगे तो आ गया 1/ एक्स माइनस में 100 और माइनस में 1/ पे एक्स निकल के आ गया, तो इससे क्या होगा ना कैलकुलेशन थोड़ी हमारी आसान हो जाएगी ठीक है। तो क्या आएगा, ये आएगा 1/2 टू इज इक्वल टू जाएगा 2800 है ना, तो अगर एक्स बन जाए एक्स आ गया माइनस है, अब इसकी मल्टीप्लाई मुझे 1 से करनी है और साइन माइनस का तो यहां पर ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा क्योंकि साइन चेंज होंगे, अपॉन पे इनकी मल्टीप्लाई आपस में, तो x मल्टीप्लाई बाय x माइनस पे 100 निकल के आएगा, ये बात समझ में आ गई। क्या इतना सबको समझ में आया हाँ या ना मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अभी तक काफी ज्यादा आसान चल रहा है। अब ऊपर के स्टेप में मिटाता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर हमें करना है, आई होप आप लोगों ने सबने नोट कर लिया होगा, इसको मिटाता हूँ मैं और इसको भी मिटा देता हूँ ठीक है, ताकि हमारा थोड़ा स्पेस बन जाए ठीक है। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व कैसे करेगी, देखो 1/2 इज इक्वल हो गया 2800 है ना ब्रैकेट में,
आ गया x माइनस में x प्लस में 100, ठीक है, और डिवाइड बाय आ गया, एक बार x को x से करेंगे तो x की पावर 2 x स्क्वायर आएगा, ठीक है, और माइनस में एक बार x को 100 x निकल के आएगा, और यहां पर ब्रैकेट बंद इस तरीके से। इसका काम नहीं है, इसको मैं यहां पर ऐसे करके मिटा देता हूं, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से और अपना काम खत्म। x से x खत्म हो गया, है ना। अब क्या होगा, ये ऊपर आ गया 1 पे x स्क्वायर माइनस पे 100x, इसकी मल्टीप्लाई 1 पे, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ गया 2, 8, 1, 2, 100, 3, 4 इंटू पर 2 निकल के आ गया, जो कि बन गया x स्क्वायर माइनस पे 100x और 28, 56 5, 6, 1, 2, 3, 4 इक्वल टू 0। लो जी, ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस यहां तक हमने पहुंचना था। सारे क्वेश्चन जितने भी इस प्रकार के होते हैं सब में सेम स्टेप है। मैं दोबारा बता रहा हूं, आपने स्पीड को लेट करना है, टाइम को लेट करना है, केस वन बनाना है और केस टू बनाना है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो प्लस का साइन आएगा, टाइम घट जाएगा तो माइनस में निकल जाएगा, और सारा सेम रहेगा। आप नीचे जो पीडीएफ है ना उसको ट्राई करके कोशिश करना, बहुत बताने वाला है। आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस का 5600000 और ये आना चाहिए माइनस का 100। इसको स्प्लिट करना आपको आना चाहिए, नहीं आता कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हो उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई जाए तो मैं जरूर काम करूंगा। ध्यान सुना कैसे किया जाता है इसको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 800 और 700 काम बन जाता, ठीक है। तो मैं कह लेंगे यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस में 800x और प्लस में 700x माइनस में 5, 6, 1, 2, 3, 4 इक्वल टू 0 निकल के आ गए, ठीक है। यहां कॉमन कर लो, पेयर बना के x कॉमन कर लो, कितना आएगा x माइनस में 800 और प्लस में 700 कॉमन कर लो, कितना आएगा x माइनस में 800 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है। तो यहां पर मैं x माइनस 800 कॉमन कर लूं तो क्या आएगा हमारे पास, यहां पर x है और यहां पर 700 है, ये आ गया इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो x माइनस 800 मल्टीप्लाई x प्लस 700 0 निकल के आ गया। अब दोनों के बराबर में क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से हम बोलेंगे पहला x माइनस 800 इक्वल टू 0, तो यहां से x जो है वो कितना आ गया 800 निकल के आ गया, x कितना आ गया यहां से 800। सेकंड में एक बार x प्लस 7 इक्वल टू 0, एक बार x प्लस में 700 इक्वल टू 0, और यहां से x कितना आ गया माइनस का 700 निकल के आ गया, कितना आएगा माइनस का 700 निकल के आ गया। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये हमारे पास ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब x क्या माना था हमने, x था ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड कितनी है हमारे पास, वो आ गई हमारे पास 800 किलोमीटर पर आवर, कितनी आ गई 800 किलोमीटर पर आवर, ये ओरिजिनल स्पीड आ गई। क्या खत्म हो गया आंसर, नहीं, हमें टाइम निकालना था, और टाइम क्या था, टाइम था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका मतलब हमें यहां पर वैल्यू पुट करके टाइम को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो टाइम आ गया कितना, तो 2800 स्पीड कितनी निकली हमारे पास, वो निकला 800, तो इस तरह से आ गया, 2 खत्म हो गया, और 4 2 8 4 7 तो 7/2, 7/2 का मतलब होता है कि कितना, 3 अलग कर दो, है ना, 3 1/2, तो 3 1/2 आवर, कितना लग गया 3.5 घंटा जो है वो हमें लगेगा, मतलब ओरिजिनल टाइम जो है 3.5 घंटा लगने वाला था। अब आप मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया या नहीं आया। मैंने बहुत ही धीरे धीरे एकदम डिटेल में सारी चीज आपको समझाई है। मेरे ख्याल से आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन होगा, इससे रिलेटेड आप पहले इसको पॉज कीजिए, पहले वो क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या अपने पास, नेक्स्ट है अप एस्टिमेट डाउन एस्टिमेट। तो जाइए पहले से कीजिए, और आया नहीं आया मुझे कमेंट करो, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करना, ठीक है। तो आई होप आप सभी ने वो जो क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लिया होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अब बात करते हैं अप एस्टिमेट डाउन एस्टिमेट क्वेश्चन की। तो आगे जाने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, कैसे स्पीड यहां पर मैनेज करने पड़ते हैं। तो मान के चलो हमारे पास क्या है, आप क्लास 10th में हो और आपने एग्जाम दिया, और फिर आप छुट्टियां मनाने के किसी वाटर पार्क वगैरह में या फिर कहीं पर मान लो ऐसी जगह गए जहां पर बोटिंग होती है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास क्या है, इस तरीके से वो बोटिंग है, नदी मान लो, छोड़ा बोटिंग हटाओ, नदी मान लो, ठीक है। अब नदी में क्या, पानी तो होगा और बहाव भी होगा पानी का, तो मान लो पानी जो है उसको स्ट्रीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रीम। और पानी जो है वो इस डायरेक्शन पे मूव कर रही है। अब पानी इधर मूव कर रही है तो पानी की स्पीड तो होगी, और मान लो पानी की जो स्पीड है वो है वाई किलोमीटर पर आवर, क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। पानी की स्पीड क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्या है, वाई किलोमीटर पर आवर है, ठीक है।
अब मान लो हमारे पास क्या है, आपने कहा भाई छुट्टियां मनाने गए, तो ये आपने क्या करा, एक बढ़िया सुंदर सी नाव ली और नाव पे बैठ गए, ठीक है, नाव पर आराम से तुम लोग सुंदर सुंदर ऐसे करके बैठ गए आराम से, ठीक है, और नाव को इस डायरेक्शन पे, जिस डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में तुम लोगों ने जो है नाव को भी मूव करा। भाई नाव को दो डायरेक्शन मूव कर सकते हो, या तो नाव इधर मूव करेगा या नाव इसके, मतलब या तो पानी के साथ मूव करेगा सेम डायरेक्शन में, या पानी के अपोजिट डायरेक्शन तुम लोग मूव करोगे, हाँ या ना, इतना दो ही टाइम उसका है। अब मान लो बोट की स्पीड जो है वो है एक्स किलोमीटर पर आवर, क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से केस समझो, केस समझो ध्यान से, जब पानी की दिशा, पानी जिस डायरेक्शन में बह रही है, अगर उसी डायरेक्शन पे अगर हम लोग क्या करें, नाव को लेके जाए, तो हम इस केस को कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम के साथ डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अब मैं कोई एक बात बताओ यार, एक बताओ, मान लो अगर नाव यहां पर एकदम रुकी हो, मैं नाव पे पाँव नहीं चला, मैं पैदल कुछ नहीं कर रहा, पैडल नहीं मार रहा, तो क्या हुआ, नाव रुकेगी या आगे बढ़ेगी, बताओ, नाव आगे बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि वहां पर पानी की तो स्पीड है ना, तो पानी की स्पीड की वजह से नाव भी आगे जाएगी, और अगर मैं थोड़ा सा पैडल मारूं तो नाव और स्पीड से आगे बढ़ जाएगी। इसका मतलब जब हम पानी के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो ओवरऑल स्पीड है ना वो बढ़ जाती है। इसका मतलब जो नेट स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम पे ना, वो क्या होगी, बोट की स्पीड के साथ साथ पानी की स्पीड भी जुड़ जाएगी, और ये निकल के आएगा डाउन स्ट्रीम के केस में, और कुछ नहीं है। इसी को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, जहां पर बोट की स्पीड या कोई तैराक है ना, कोई भी बंदा है जो तैर रहा है, वो दोनों मिला के जुड़ जाती है, उसकी और पानी की स्पीड, ठीक है, नाव हो सकता है, नाविक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दूसरा केस समझते हैं। अब मान लो एक ऐसा केस है जहां पर पानी जो है ना, पानी जो है इस डायरेक्शन में बह रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पानी बह रहा है और तुम्हें जाना है इस डायरेक्शन पे। अब मान लो तुम लोग नहीं चलाओगे तो तुम आगे बढ़ोगे पीछे धकेले जाओगे, तुम पीछे धकेल दिए जाओगे, है ना, और अगर तुम पैदल चलाते भी हो, मुझे आगे बढ़ना है, तो क्या आसानी से पहुंच जाओगे पहले की तरह, या कठिनाई आने वाली है? अब कठिनाई आने वाली है। तुम मान लो 4 की स्पीड से आगे जाना चाहते हो और ना, और पानी की स्पीड 2 है ना, तो तुम 2 ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि पानी को तुम्हें धकेल रहा ना, जो ओवरऑल स्पीड है वो बढ़ेगी घटेगी, वो स्पीड कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इसी केस को बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम हम लोग बोलते हैं, मतलब पानी के विपरीत डायरेक्शन पे मूव करने को अप स्ट्रीम कहा जाता है। और यहां पर जो ओवरऑल स्पीड होती है वो घट जाती है, कितनी, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, मतलब आगे जाना चाहते हैं बोट के साथ, पर जितनी स्पीड पानी की है उतना माइनस करना पड़ जाता है, क्योंकि ओवरऑल जो स्पीड है वो घट रही है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में ना हो जाना, ओवरऑल स्पीड बढ़ जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है, और पानी इस डायरेक्शन में, हमें जाना इस डायरेक्शन पे, तो इस केस को बोलते हैं अपोजिट में अपस्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है, और इस केस में जो स्पीड है वो घट जाती है, एक्स माइनस वाई निकल के आती है, यही सारा केस है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का। अब मुझे कमेंट में बताओ कि आपको पहले माजरा समझ में आया कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में क्या मतलब होता है। डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड और पानी की स्पीड जुड़ जाती है, अप में बोट की स्पीड से पानी स्पीड को घटाना पड़ता है, क्यों घटाना पड़ता है, क्योंकि वो अपोज कर, ठीक है, यहां तक आइए। अब क्वेश्चन रीड करते हैं, अब बड़े आराम से आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, इसको चलो ध्यान सुनना, एक मिनट ठीक है, ध्यान सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सेलर कैन रो अ बोट 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 8 किलोमीटर क्या गया वो, डाउन स्ट्रीम गया, ठीक है, ओके, एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब क्या है, मान लो यहां से यहां तक गया 8 किलोमीटर और वहां से वापस आ गया, तो पहले क्या गया, पहले डाउन स्ट्रीम गया पानी के साथ साथ सेम डायरेक्शन पे, और दूसरे जब वापस आया तो पानी के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अपस्ट्रीम के साथ आया, तो गया डाउन स्ट्रीम में 8 किलोमीटर और आया अपस्ट्रीम में सेम 8 किलोमीटर, ठीक है, टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 1 hour in 40 minutes, मतलब अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, मतलब गया और आया, तो टोटल टाइम जो है उसको इतना लगा। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, पानी की जो स्पीड है वो दे दी यहां पर, और स्पीड ऑफ बोट, तो बोट की स्पीड क्या होगी, मैं निकालनी है, बहुत ही आसान है, मैं आपको समझा दूं, सेम वही केस बनेंगे, टाइम लिखना है, इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, देखो ध्यान से सुनो, तो सबसे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे लेट स्पीड ऑफ बोट, मैंने मान लिया एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्वेश्चन गिवन है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कितना दे रखा है हमारे पास, वो दे रखा है
2 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान सुनना, ठीक है, दो केस बनाने हैं। केस वन किसका बनेगा? केस वन बनेगा डाउन स्ट्रीम का केस बनेगा, और दूसरा केस किसका बनेगा? अप स्ट्रीम का बनेगा। अब हमें तीन चीज लिखनी है, अगेन वही जो मैं तुम्हें कहा था, क्या डिस्टेंस क्या है, ठीक है, स्पीड क्या है, ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है। ये तीन चीज हमें करनी पड़ेगी, तीन चीज लिखनी है जो पीछे बताया था। डिस्टेंस कितना गया अब डाउन स्ट्रीम में? 8 किलोमीटर गया, तो डिस्टेंस लिखोगे यहां पर कितना? 8 किलोमीटर। स्पीड क्या है? हमने अभी भी सीखा है डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड और पानी की स्पीड जुड़ जाती है, ठीक है, तो बोट हमारे पास x है, पानी 2 है, तो x प्लस में 2 जुड़ के किलोमीटर पर आवर निकल के आगे, बहुत ही सिंपल है। और टाइम हमें टोटल दिया हुआ है, डाउन इसका टाइम नहीं पता, तो मान लो टाइम कितना है हमारे पास? T1 मैंने मान लिया, सिंपल, कुछ नहीं करना यार इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? केस टू हमारे पास किसके ऊपर होगा? वो होगा अप स्ट्रीम के ऊपर। किसके होगा? अप स्ट्रीम के ऊपर होगा। अगेन तीन चीज लिखनी है, कौन कौन सी बोलो? डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, ये तीन चीज हमें लिखनी है, ठीक है। ओके आइए फटाफट से देखते हैं कैसे होगा। डिस्टेंस कितना भाई? अप स्ट्रीम वापस कितना है? 8 किलोमीटर ही आया, तो डिस्टेंस 8 किलोमीटर ही है। स्पीड हमने अभी सीखा, अप स्ट्रीम में स्पीड घट जाती है, बोट की स्पीड माइनस में पानी की स्पीड, बोट की स्पीड x है, पानी की 2 है, कितना आएगा? x माइनस में 2 किलोमीटर पर आवर निकल के आएगा। और टाइम नहीं पता इसका भी, तो उसको मैंने T2 मान लिया, ठीक है, समझ में आ गया ना अच्छे से, ठीक है। टेंशन क्यों लेते यार, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं ना टेंशन मत लो, क्लास 10th की मैथ ना मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। और हाँ एक बात और कहनी तुम लोगों से, अगर तुम लोग क्लास 11th का भी मैथ लोगे तो मेरा एक और चैनल है जो है मैथ बाय मिस्टर भट्ट करके, ठीक है, मेरा एक और चैनल है मैथ बाय मिस्टर भट्ट करके, वहां पर मैं क्लास 11th और 12th की मैथमेटिक्स को सॉल्व कराता हूँ, ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट ईयर आप जो भी मैथ लोगे वो कनेक्टेड रहोगे दीपक, ठीक है जी। चलिए अब हमें क्या बोला गया, सिचुएशन थोड़ी बदल गई है, हमें यहाँ पर बोला गया कि दोनों को मिला के क्या बोला गया कि अपस्ट्रीम का टाइम गया T1, डाउनस्ट्रीम का टाइम T2, तो अपस्ट्रीम में जितना टाइम लगा प्लस डाउनस्ट्रीम कुल समय लगता है इतना, इसका मतलब T1 प्लस में T2 जो है कितना लगेगा? वो लगेगा 1 hour 40 minutes। अपना हमेशा ध्यान रखना टाइम को आवर्स में लिखना है। 40 मिनट का मतलब कितना होता है? 40 करोगे कितना आवर में कितना 2 2 2 3 तो 2/3 हो गया, तो 1 hour प्लस में 2/3 hour और हो गया, तो 3 + 2/3 तो 5/3 hour, तो 5/3 घंटा। ये ध्यान रखना हमेशा ना, हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि मिनट में हो तो उसे कन्वर्ट कर लेना किसमें? आवर में, तो 2/3 होगा, 1 hour था, 2/3 hour और हो गया, तो कुल 5/3 hour हो गया, तो ये मैंने रखा 5/3। सिंपल है, एंजॉय कर रहे हो यार, मजा आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, पीछे मैंने तुम्हें बताया था टाइम का फॉर्मूला, याद है? भूल गए? बताओ फटाफट से, बताओ सारे बच्चे। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन पे स्पीड, ठीक है। T1 क्या है? T1 है हमारे पास है टाइम किसका? डाउन स्ट्रीम का, तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना? 8 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है? x+2, तो x+2 आ गया। अब ये थोड़ा टेढ़ा लग जाए, यहाँ पर लिखेंगे हम 8/x+2 प्लस T2 का मतलब क्या है? टाइम किसमें? अप स्ट्रीम में, तो डिस्टेंस कितना? 8 किलोमीटर, और स्पीड कितना? x-2, और कुल समय कितना लगा? 5/3। बस यार इतना ही करना था, ये स्टेप 1 खत्म। अब क्या करना है? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनानी है। आइए एक काम करते हैं, ये छोटा सा है हालांकि तुम कर सकते हो, 8 कॉमन करो कितना आएगा? 1/x+2, ठीक है, प्लस में 1/x-2, और आगे इक्वल कितना? 5/3 निकल के आ गया, ठीक है। इसकी मतलब 1 से करके कितना आएगा? x-2, और ये 1 से आएगा x+2, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई x+2 और मल्टीप्लाई बाय x-2, और ये ब्रैकेट बंद, इक्वल टू आ गया 5/3। कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल है। अब क्या हुआ, इस 2 से इस 2 को काट देंगे, ये 2 से 2 खत्म हो गया। अब 8 और x+x 2x होता है, ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई कितना आएगा? 2x आ गया। नीचे देखिए a+b a-b फॉर्मूला होता है a²-b², तो ये आ गया a²-2 का² 4 होता है, ठीक है, और आ गया 5/3, ठीक है। 8 to 16, तो आ गया 16x = ठीक है। अब यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × x²-4, ठीक है, 8 to 16, और ये 3 भी आ गया, तो यहां पर 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 48, तो 48x = 5x²-20 निकल के आ गया, तो
तो सबको यहाँ लिख जाऊंगा, तो 5x² माइनस में 48x और माइनस में 20 इक्वल टू जीरो, ये मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो बात समझ में आई या फिर नहीं है? ठीक है, सबको क्लियर रहता ना? ठीक है, ये बन गया इक्वेशन। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए माइनस का 100, और वैसे कितना आना चाहिए 48 माइनस का 48 आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, 50 और 2 तो हम लिखेंगे कितना, माइनस का 50 प्लस में 2, ऐसे ब्रेक करेंगे, माइनस का 50 मल्टीप्लाई 2। मैंने बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स निकालने नहीं आते, दिक्कत होती है, मुझे प्लीज बताना, 100 कमेंट होते मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, 5x² माइनस में 50x और प्लस में 2x माइनस में 20 इक्वल टू जीरो निकल के आ गया। ठीक है, कॉमन कीजिए, तो 5x कॉमन करते हैं तो x माइनस में 10 आएगा, और प्लस में 2 कॉमन करते हैं तो x माइनस में 10 आ गया, इक्वल टू कितना, जीरो आ गया। ठीक है, तो x माइनस 10 हम एक तरफ कॉमन करेंगे तो आ गया 5x प्लस में 2 इक्वल टू जीरो। अब एक बार इसके बराबर में जीरो, एक बार इसके बराबर में भी जीरो कर लेते हैं, क्या हो गया। ठीक है, तो x माइनस 10 को जब जीरो के बराबर करेंगे तो यहां से x जो है वो कितना आ गया, 10 निकल के आ गया पहले केस में, और दूसरे में जब 5x प्लस में 2 को जीरो के बराबर करेंगे तो 5x माइनस के 2 बराबर आ गया, और x आ गया माइनस 2/5। अब स्पीड कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, है ना, तो x क्या आ गया, 10 निकल के आ गया, और x क्या माना था हमने, स्पीड ऑफ बोट माना था, कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर निकल के आ गया। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो डिस्क्रिप्शन पीडीएफ दे रखी है वहां पर दे रखा है, आपने क्या करना है, जाना है और इस क्वेश्चन को वहां पर सॉल्व करना है, क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे। अब मुझे एक चीज बताओ यार, क्या आप लोग अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कॉन्सेप्ट को सीख लिए अच्छे से? दूसरा, क्या आपने ये जो क्वेश्चन होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इन दोनों में से ये एक हो गया, ये वाला क्वेश्चन और टैप वाला क्वेश्चन, ये बहुत रिपीट होते हैं, पीवाईक्यू में जाके देख लेना। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या तुम एंजॉय कर रहे हो, क्या ये वीडियो तुम्हारे इन्फॉर्मेटिव है, क्या कुछ सीख रहे हो, सारी चीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, प्रॉब्लम ऑन टाइम, जो टैप वाला क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गए, अब आगे क्वेश्चन आएंगे प्रॉब्लम ऑन एज, एज के ऊपर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, है ना, ये वाला क्वेश्चन हो गया, और हमारे पास एरिया रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है कुछ जो क्वेश्चन बचे, कुछ क्वेश्चन है, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी जब इस वाले वीडियो में 10,000 व्यूज और प्लस में 200 कमेंट हो जाएंगे, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में दिया गया था, और तुम लोगों ने इसे 2 दिन के अंदर ही पूरा कर दिया था। तो जितना हो सके इतना इसको शेयर करो, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, क्योंकि आपको पता है कोई चार्ज हम लोग नहीं करते, बस जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा इस चैनल से हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना फीडबैक जरूर बताना, क्या ये वीडियो तुम्हें हेल्प कर रही है, अगर कर रही है तो मैं ऐसी और वीडियो बनाऊंगा। चैप्टर में 10 के प्रूफ वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने बोला कमेंट में, उसके ऊपर काम किया जाएगा। चैप्टर में 6 के प्रूफ वाले क्वेश्चन दिक्कत होती है, उसमें काम किया जाएगा, पर समय बहुत कम है आज के लिए, तो नहीं पीडीएफ से क्वेश्चन कर लेना, कैसा लगा कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा।